तो यार ये वीडियो स्पेशली उन सारे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लोगों के लिए, उन एक्टर्स लोगों के लिए जो लोग मुंबई में आते हैं ऑडिशन देते हैं। तो अगर आप एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट नहीं हो, अगर आप एक एक्टर नहीं हो, लेकिन अगर आपके मन में कभी एक थॉट भी आया हो एक्टिंग स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ करना, तो यार इस वीडियो को आप तो भी फिर भी एक बार देख लेना, शायद आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं 15 जेन्यून कास्टिंग एजेंसी के एड्रेस देने वाला हूँ पूरी डिटेल्स के साथ, कहाँ है कहाँ नहीं, और एक ही लोकेशन पे है जो कि है आराम नगर। हम में से बहुत से एक्टर्स आराम नगर विजिट करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है एग्जैक्टली कि कौन कितनी सारी कास्टिंग एजेंसी उसी आराम नगर के अंदर अंदर है जो कि बिल्कुल जेन्यून है। वहाँ पे फेक कास्टिंग एजेंसी भी है नो डाउट, जो कि पैसे चार्जेस करते हैं, कुछ ना कुछ चार्जेस करते। तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखो, कभी भी चार्जेस पे मत करना। और दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ 15 कास्टिंग एजेंसी दूंगा तकरीबन, तो आपको उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर फॉर फ्यूचर आप उसको सेव रख सकते हो। अगर आप इसको इस वीडियो को सेव करना है तो इस वीडियो को भी सेव कर सकते हो। और तो और इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे चैनल पे नए हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, बॉन्जुर नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी, खम्मा गणेश श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, तो यार मेरा नाम है बनी राजपूत और जो लोग मुझे जानते हैं सबको हाय, और जो लोग मुझे नहीं जानते उनको भी दिल से हाय। जो पिछले टाइम में मेरे चैनल से नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, जो मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन रहे हैं, तो उन सबको दिल से हाय। तो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फेक कास्टिंग एजेंसी से बच के रहो। आपको नहीं पता, जहाँ पे भी आपसे एक रुपया भी मांगे वो समझ जाओ कि फेक कास्टिंग एजेंसी। इस फील्ड में आपको आपके काम का पैसा मिलता है, ना कि आपको पैसा देना पड़ता है। और इस बात को आपके दिमाग में जहन में बिठा लो, कभी भी पैसा पे मत करना कोई भी कास्टिंग एजेंसी अगर आपसे पैसा मांगे। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर करना, अगर आपको थोड़ी बैकग्राउंड वॉइस आ रही है तो थोड़ा सा काम चल रहा है। सो प्लीज़, तो सबसे पहली कास्टिंग एजेंसी है एंटी कास्टिंग, जो कि है आराम नगर में। यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेकर फॉर फ्यूचर आप सेव रख सकते हो, आप देख लो। ओके, बढ़ते हैं हमारी सेकंड कास्टिंग एजेंसी के ऊपर, जो कि है कास्टिंग बे, जो कि है अभिषेक बैनर्जी और अनमोल आहूजा की। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ उसकी डिटेल्स दिख जा रही होगी, आपको दिख रही होगी, आपका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी बात, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल सेंड कर सकते हो, अगर आपको उसके यहाँ पे ईमेल इनकी आईडी कुछ भी चाहिए, यही एड्रेस आप गूगल पे कॉपी पेस्ट कर लो, आपको पूरी डिटेल्स आ जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर्स ओपन है क्लोज है क्या है क्या नहीं, आपको गूगल पे इन सब चीज़ें मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारी थर्ड कास्ट एजेंसी के ऊपर, जो कि है कास्ट इंक, जो कि है यश नागर कोटी की ए रही। इसको भी आप यहाँ पे इनकी भी ईमेल आईडी जो भी रहेगी आप गूगल कर सकते हो, नंबर्स भी मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल भेज सकते हो घर पे बैठे बैठे। प्लस अगर आप आराम नगर विजिट कर रहे हो तो एक ही साथ में इन सारी कास्टिंग एजेंसी को एक बार विजिट कर लो और अपने वॉक इन ऑडिशंस दे दो एक बार। अगर आप फ्रेशर हो तो भी चलेगा, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा। बस मेक श्योर कि आप इस वीडियो को सेव कर देना इन फ्यूचर, ताकि अगर आप आराम नगर जा रहे हो ऑडिशन देने के लिए तो आपको 10 से 15 कास्टिंग एजेंसी की एक ही जगह पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। तो बढ़ते हैं हमारी चौथी कास्टिंग एजेंसी के ऊपर, जो कि है कुणाल एम शाह की ए रही। तो जो लोग कुणाल एम शाह को नहीं जानते उनको मैं बता दूं, कुणाल एम शाह कास्टिंग एजेंसी का बहुत ही बड़ा नाम है। कास्टिंग एजेंसी उन्होंने भी काफ़ी कास्टिंग्स बहुत सारी मूवीज़ में, दंगल जैसी मूवीज़ और बहुत सारी, जैसे कि खिलाड़ी 786 हो गई, उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ उनके, जब उनकी कास्टिंग अपडेट आई थी मैंने वो भी शेयर की थी। तो बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ कास्टिंग एजेंसी के ऊपर, जो कि है मुकेश चाबरा की, आप देख सकते हो यहाँ पे। और एक कास्टिंग एजेंसी कुणाल एम शाह के आजू बाजू में ऑलरेडी मैंने विजिट किया हुआ है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जब मैंने विजिट किया था पर्सनली 4 से 5 जब लोकेशन पे मैं गया था और वॉकिंग ऑडिशंस बंद थे, और सबसे मेरा बहुत बेकार दिन था वो वाला दिन, मेरे को अभी याद है। इसे मैं उसको वीडियो उसका मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो। वो ऑडिशन देने जब मैं गया था मैंने वहाँ की पूरी जर्नी बताई है, आपको डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक उसका मिल जाएगा, आप देख लेना। तो बढ़ते हैं हमारी सिक्स कास्टिंग एजेंसी की तरफ, जो कि कम्प्लीटली जेन्यून है, ऑन माई कायरोल कास्टिंग एजेंसी। ये है कविश सिन्हा की कास्टिंग एजेंसी, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ। तो बढ़ते हैं हमारी सेवेंथ जेन्यून कास्टिंग एजेंसी के ऊपर, जो कि है पराग मेहता कास्टिंग एजेंसी। ओके, तो यह पराग मेहता की कास्टिंग एजेंसी, जो कि कम्प्लीटली जेन्यून। तो हमारी एट्थ कास्टिंग एजेंसी है प्रियता दीक्षित की कास्टिंग एजेंसी, आप इस का स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी जेन्यून कास्टिंग एजेंसीज है जो कि है मुंबई में। तो बढ़ते हैं हमारी नाइन्थ कास्टिंग एजेंसी के ऊपर, जो कि है रोमिल तेजस कास्टिंग एजेंसी, जो कि है रोमिल मोदी की और तेजस ठक्कर की। ओके, तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हो। तो यार अगर आपको ये वीडियो ऐसी इंटरेस्टिंग लग रही है तो यार मेक श्योर कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं ऐसी और इन्फॉर्मेशन, मेरी जो है जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है, जितना मैंने अब तक एक्सप्लोर किया है फिल्म इंडस्ट्री को, तो वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको और तो बढ़ते हैं हमारी 10th कास्टिंग एजेंसी के ऊपर, जो कि शानू YRF कास्टिंग एजेंसी, जो कि है शानू शर्मा की। बढ़ते हैं हमारी 11th कास्टिंग एजेंसी के ऊपर, जो कि है श्रुति महाजन कास्टिंग एजेंसी। और ये है श्रुति महाजन की। तो यार देखो देखो देखो, अभी तो और 4 कास्टिंग एजेंसी बाकी है। कास्टिंग स्टेशन, जो कि है शिव चौहान की, आप देख लो, यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा।
तो ये सारी कुछ वेल नोन और जेन्यून कास्टिंग एजेंसी है जो कि अंधेरी में आपको स्पेशली आराम नगर में भी, आपका आराम नगर की मैंने ऑलमोस्ट 5 से 10 बता दिए, कुछ एक्स्ट्राज भी मैं बता रहा हूँ जो कि अंधेरी में पर्टिकुलरली है, तो आप देख लो। अंधेरी और बैंड्रा की भी एक दो है, तो मैं शायद हो सकता है आपको वो भी शेयर करूँ बोनस में। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कास्टिंग एजेंसी के ऊपर जो कि है विक्के सिधना कास्टिंग एजेंसी। आपको यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा, देख लो, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो नहीं लिया है तो ये है मॉन्क कास्टिंग एजेंसी, सॉरी एजेंसी जो कि है प्रशांत सिंह की, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले। तो अब बात करते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा कास्टिंग एजेंसी की जो कि है जोगी फिल्म्स टीवीसी। दूसरी आती है नंदनी श्रीकांत कास्टिंग एजेंसी, तो यह है पंचामनी गौरी कास्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये थी मुंबई की कुछ ऐसी कास्टिंग एजेंसीज जो कि कम्प्लीटली जेन्यून है। ये यहाँ पे आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता आपके काम का, ये कम्प्लीटली जेन्यून कास्टिंग एजेंसी है। अगर आपको इस वीडियो से यहाँ तक अगर आपको हेल्प मिली हो तो मेक श्योर अगर आपके कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग फिल्म इंडस्ट्री या मॉडलिंग के, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं पर्सनली सबका रिप्लाई दूंगा। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एक मिनट मुझे खांसी आ रही है। ओके, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो जो कि है इट्स बनी। ओके, तो ये मेरा कुछ नाम है इंस्टा पे, आपको अबाउट सेक्शन में मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा थोड़ी बहुत कास्टिंग एजेंसी का एड्रेस। लेकिन अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मोस्ट ऑबली आप ए प्रीफर करो, सारे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वहाँ पे आपको मैं इतनी पूरी डिटेल्स नहीं दूंगा। अगर पूरी डिटेल्स दे दूंगा तो फिर आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे और फिर उससे मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, अगर मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे तो मेरा लाइक नहीं होगा, मेरा लाइक नहीं होगा तो मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा, मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से आएगा ऐसे वीडियोज़ बनाने का, कुछ समझे? आई होप आपको समझ गया होगा। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। आई होप, थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो पर यहाँ तक बने हुए हो तो मुझे पक्का यकीन है आप एक एक्टर बन सकते हो, आपके अंदर वो जुनून है एक्टर बनने का और आप बन सकते हो, कि आपने सारी कास्टिंग एजेंसी का स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो जाओ ट्राई करो, कोशिश करो, मेहनत करते रहो और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई ऑडिशन देने जा रहा है और सिलेक्ट हो रहा है तो। प्लीज़, फिर नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।